अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की बड़ी अफसोसनाक खबर। क्योंकि नाज़रीन, ये खबर दिखाने से पहले मैं सभी मेरे व्यूवर से मैं माफ़ी चाहता हूं अगर हमसे कुछ गलती हो रही है तो, क्योंकि हम एक अवेयरनेस के लिए ये न्यूज़ बता रहे हैं। क्योंकि इसके ऐसे वीडियोज़ हमें एक बार नहीं बल्कि लगभग अनगरीब 100 वीडियोज़ आ चुके हैं कि भाई इसके ऊपर आप एक न्यूज़ बनाओ। लेकिन हमारे समाज का लिहाज करते हुए, हमारे समाज की परवाह करते हुए ये न्यूज़ हम कभी नहीं बनाए। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ हम आपको ये न्यूज़ बता रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन, आपने देखा होगा कहीं ऐसे सोशल मीडियाज़ पे ये वीडियो वायरल हो रहे हैं कि मुस्लिम औरतें गैर मुस्लिम के साथ गाड़ी पे जा रही है, उनके साथ घूम रही है, उनके साथ फिर रही है। तो सबसे पहले मैं ये गलतफहमी दूर कर दूँ मेरे सभी भाइयों से कि भाई ये औरतें जो है मुस्लिम औरतें नहीं हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि दूसरे कौम के हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये मुस्लिम नहीं है, ये मुनाफिकीन है। मुनाफिकीन का ना कोई मज़हब होता है ना कोई धर्म होता है। क्योंकि ईमान वाली औरत इस तरह की बेहयाई, बेपर्दगी, इस तरह की ऐसी हरकतें नहीं करती है। आप सो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कई वीडियोस ऐसे आए हमको ये बताने के लिए कि देखो भाई हमारा माशरा किस रास्ते पर जा रहा है, इनके लिए कुछ अवेयरनेस का प्रोग्राम बनाइए। तो वाजे तौर पर मैं बता दूं, जितने भी ऐसे बेशरम औरतें होती हैं जो किसी गैर कौम मर्द के साथ फिरती है तो मुस्लिम नहीं होती है, वो मुनाफिकीन होती हैं। और तकरीबन 95% औरतें जो होती है वो जिस्म फरेशी का कारोबार करने वाली होती हैं। ना ही कोई धर्म देखते हैं, ना ही कोई मज़हब देखते हैं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। ऐसे कई वीडियोस हमको आए, जैसा कि कल एक वीडियो वायरल हुई थी टोली चौकी के पास, कुछ लोगों ने मिलकर एक मुस्लिम औरत को रोका और उसके साथ वाले से भी पूछताछ की और इस औरत से भी पूछताछ की। इससे पहले हमको एक वीडियो और एक आई थी सईदाबाद से, वहाँ पर भी कुछ वहाँ के लोगों ने रोक कर एक मुस्लिम औरत को पकड़ कर पूछा, उनके भाई से बात करवाई और वो जो गैर मुस्लिम था उससे भी बात की। बहरहाल ये क्या माजरा है, आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वाजे तौर पे मैं बता दूं कि ये भाई ये मुस्लिम नहीं होती हैं, ये मुनाफिकीन होती है। ये तकरीबन जो है इसमें से जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाली होती है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वाकई आप रोक सकते हैं और इनको पुलिस के हवाले कर सकते हैं, मजीद इनकी तहकीकात कर सकते हैं। लेकिन इसमें से कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, ज़रा गौर व फिक्र करने वाली बात है, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। उनकी क्या मजबूरी होती है या उनका कोई भाईचारा होता है या फिर कोई फ्रेंडशिप होती है, तो उनके अपने ज़ाती मामले में आप दखलंदाजी मत कीजिए। हाँ, जिस्म फरोशी का अगर कोई कारोबार कर रही है, मैं जैसा कि बता रहा हूँ 90% से ज़्यादा जो औरतें साथ फिरती है गाड़ी पर गैर कौम के साथ, तो बाहर सी बात है वो जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाली होती है। आप उसको पकड़ कर पुलिस को इत्तला कर सकते हैं और उसको पुलिस में भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में जिस्म फरोशी का कारोबार करना गैर कानूनी है। आइए देखते हैं अफसोसनाक खबर। निकालो नोटिस, निकालो पूरा मार खाती नहीं तो नोटिस निकालो, चप्पल से मारो साली, हाथ की बाहर चप्पल से मारो, हाथ डालो, अरे भाई पैंट शर्ट देखो भाई, इसको शर्म आना बैठने में वैसे ऐसा शावा चलो क्या रे, अच्छी लियो भाई वीडियो। अगली बार बुरखा पहन के बुरखा उतार के फिर तो अच्छा रहता। नाम खराब होने का नहीं, नाम खराब हुआ हुआ नहीं यार। बंकरो जरा बंकरो, क्या भाई बंकर जरा रुक, क्या बात है पूछेंगे तो मालूम होता। भाई छोड़ दो छोड़ दो, अब कहाँ सीधा लो पूछा नहीं, गलत नंबर बात सीधा ना, गलत नंबर भाई, बुरे चले और रोड पे तमाशा नको करो, जो बात करके भाई बात कर।
भैया पहचानत के क्या इनके? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इनका नाम क्या है भैया का? गलत है ना जी ऐसा? भाई पूरे को भिजा दो टमाटर खाली। चलो चलो भाई, चलो कुछ पीना। चलो गाड़ी से नहीं नहीं गलत है, वो छोड़ो ना। धक्का दो कान के नीचे खड़ी इधर दे दो, मैं बात करता हूँ। हेलो करो आप। हाँ कौन बोल रहे हैं? सलमान है, पहले पूछो तो। क्या बोले? नाम क्या है पहले पूछो। क्या नाम है आपका? तो ये क्या है मैटर? ये नेक पॉइंट पे चट्टी पे छू, चट्टी पे बैंड के बच्ची को आपको ड्राइव कर रहे हैं? हाँ किराएदार है तो बच्ची को ले लेकर रोड पे जैसा करना है वैसा करने लगा तो बोल रहे हैं। पीएस को आओ, बोलो क्या है बात मालूम होता। आप आओ पीएस को आओ, मीडिया में सच न्यूज में बताते, बोलो क्या है आप एरिया में है? यहाँ पर आओ, आप आओ, कहाँ है आप अभी? सोच क्या बोले? आओ आइए, वड़ा कॉलोनी से आप आइए, इधर आइए, सरोनगर पे आइए, सरोनगर पे आइए, सामने से सरोनगर पीएस, सरोनगर पीएस, सरोनगर सैदाबाद पीएस, सैदाबाद पीएस पे आइए। आओ चलो स्टॉप कर, सैदाबाद स्टॉप कर दो, बात काम कर दिए। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें, एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।